दोस्तों, अगर आप एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। देखिए, आजकल वीडियो कंटेंट क्रिएशन के अंदर काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह का वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वेडिंग फिल्म्स हो, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हो, या फिर कहेंगे हम हाई प्रोडक्शन के अंदर जहाँ पर आप छोटी छोटी एड फिल्म्स बना रहे हो, या फिर आप जो है शॉर्ट फिल्म्स बनाते हो, चाहे फिर आप जो है पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करते हो, या फिर इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड करना हो, या किसी भी तरह का हाई वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन हो, तो वहाँ पर आपके लिए आज मैं एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉलीलैंड के पायरो एच की। अब ये पायरो एच है, ये एक 4K वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम है जो आपकी वीडियो प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या है इसके खास फीचर और किन लोगों के लिए इसको बनाया गया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बॉक्स को खोल के देखते हैं, इसमें आखिर हमें मिल क्या कह रहा है। अब बॉक्स में सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये एक आफ्टर सेल्स कार्ड, वी आर हेयर फॉर यू। यहाँ पर आपको मिल रहा है एक पैकिंग लिस्ट कार्ड, यानी कि यहाँ में आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है वो मेंशन की गई है। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक पायरो एच का क्विक स्टार्ट गाइड, जिससे आप पढ़ के ऐप्स को आप इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। लास्ट में आपको मिल रहा है एक कंप्लाइंस इन्फॉर्मेशन। अब बॉक्स में मिल रहा है हमारा असली प्रोडक्ट, यानी कि एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रांसमीटर, देखिए इस तरह से, और दूसरी तरफ जो है हमें एक और यहाँ पर मिल रहा है एक रिसीवर। तो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में इस वक्त रिसीवर है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ आपको 5 सिलेंड्रिकल एंटीना मिल रहे हैं 2.4 GHz एंड 5 GHz के। अब वैसे तो मेरे ख्याल से 4 ही काम आते हैं, एक एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने इनकेस आपका एक एंटीना खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाता है USB-C OTG अडैप्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक रोटेटेबल कोल्ड शू माउंट। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल एंटीनास को मैंने इस तरह से लगा लिया ट्रांसमीटर और रिसीवर पे, काफ़ी आसानी से लगाना। अब हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इसके डिज़ाइन की। सो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसने मुझे खास तौर पे इंप्रेस किया, बिकॉज ऑल यहाँ पर आपको जो है मेटल केसिंग मिल जाती है जो कि इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को काफ़ी रॉबस्ट बनाती है, और हर तरह की वेदर कंडीशन में, हर तरह की शूटिंग कंडीशंस में आपको ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर पीछे आपको जो है एक इंटरनल फ़ैन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है एयर आउटलेट मिल जाता है, तो अगर जो इसको कूल भी रखेगा और इसका टेम्परेचर भी जो है उसे डिफ़िकल्ट शूटिंग कंडीशंस में मेंटेन भी करेगा, तो ये चीज़ें जो है इसको काफ़ी खास बनाती हैं। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, बट थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर। अब फ़र्क ये है, मेजरली आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो रेड कलर से जो बैजिंग यानी कि 4K लिखा है वो है हमारा ट्रांसमीटर, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से TX मीन्स ट्रांसमीटर, और यहाँ पर जो ब्लू बैजिंग है यानी कि जो 4K लिखा है ब्लू बैज से वो है हमारा रिसीवर, तो यहाँ पर देखिए RX लिखा हुआ है रिसीवर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे कौन सा ट्रांसमीटर और कौन सा रिसीवर है। अब आप देख रहे हैं पायरो एच का जो एक साइड का हिस्सा है वो बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो है रिसीवर है और यहाँ पर है ट्रांसमीटर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले स्क्रीन, उसके बाद आपको नीचे मिल जाता है थंब व्हील स्विच। अब जो थंब व्हील स्विच है ये आपके मेन्यू को टॉगल करने के काम में आता है। इसके नीचे का हम हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर स्विच, यानी कि स्विच ऑन एंड ऑफ करने का बटन, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट। अब नीचे का हिस्सा देखें तो यहाँ पर आपको एक स्क्रू होल मिल जाता है, यानी कि अलग अलग जगह जैसे कि आपको स्टैंड पर लगाना है या कहीं भी आपको इसको इंस्टॉल करना है उसके लिए यहाँ पर आपको स्क्रू होल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर के दूसरे साइड के हिस्से की। तो यहाँ पर आपको एक फुल साइज़ का HDMI इनपुट मिल रहा है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके नीचे आपको मिल रहा है एक HDMI लूप आउट। अब यहाँ पर जो है अगर आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना है तो आप लगा सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन इमेज क्वालिटी, तो ये भी चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके नीचे आपको मिल जाता है दोस्तों एक DC इनपुट। इसी तरह से हम बात करते हैं रिसीवर के दूसरे हिस्से की। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक HDMI आउटपुट और नीचे आपको मिल जाता है दोस्तों एक DC इनपुट। अब दोस्तों यहाँ पर इसको पावर देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर वो है NPF बैटरीज़। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीछे NPF बैटरीज़ लगा रखी है, और NPF बैटरीज़ लगाने से क्या है कि आसानी से जो है थोड़ा सा बल्की ज़रूर होता है बट मेरे को काम करने में थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहता है। बट अगर आप ऐसी जगह पर शूटिंग कर रहे हैं जहाँ पर DC पावर का ऑप्शन है तो वहाँ पर आप DC पावर सप्लाई ले सकते हैं, उसका भी इसमें ऑप्शन मिलता है। और तीसरी चीज़ है वो है आपका USB पोर्ट, उसे भी आप यूज़ करके इसे पावर दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे हैं फील्ड पर इसे टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हाउ टू सेटअप पायरो एच हॉलीलैंड का जो है इसे हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अपना एक सोनी A7 Mark IV कैमरा यूज़ किया है, और इसके ऊपर मैंने लगाया है
ट्रांसमीटर यानी कि पायरो एच का ट्रांसमीटर इसके ऊपर है और इसको मैंने कनेक्ट किया है HDMI केबल से। तो इसमें फुल HDMI का ऑप्शन है, तो जो भी आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए केबल आप उसी हिसाब से लीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसमीटर मैंने यहाँ पर लगा दिया है और रिसीवर आप देख रहे हैं ये है मेरे हाथ में। अब मैंने इस रिसीवर को जो है अपने हॉलीलैंड मार्स M1 के मॉनिटर से, जो कि ऑन कैमरा मॉनिटर है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कम्प्लीटली जो है ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन हो गया, यानी कि जो ये सोनी A7IV दिखा रहा है सामने का दृश्य है, वो सारा दृश्य आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। सो अगर आप वेडिंग कवर कर रहे हैं, कोई इवेंट कवर कर रहे हैं, या आप कोई म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, कमर्शियल हाई एंड वीडियो फुटेज शूट कर रहे हैं, तो भाई ये जो है आपको एक कम्प्लीटली वायरलेस सोल्यूशन देता है। और यहाँ पर मैंने अपने मार्स M1 को जो है कनेक्ट किया है रिसीवर के साथ में, तो यहाँ पर भी आपको एक HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन केबल जो आपको लेना है उसका आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप केबल देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा ये सेटअप हो जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसको पावर देने के लिए मैंने यूज़ की है NPF बैटरीज़। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक NPF बैटरी लगाई है मैंने, एक मेरे मार्स M1 पे NPF बैटरी लगाई है और एक मैंने अपने इसके रिसीवर के ऊपर NPF बैटरी लगाई है। सो इट्स वेरी इजी टू सेटअप द एंटायर थिंग। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी जो है साइंटिफिक नॉलेज होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ जो है इसे ऑन करना है और इट्स प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ वायरलेस ट्रांसमीटर है ये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर आप 4K अप टू 30 FPS तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है, प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग करते हैं, म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, जहाँ पे आपके लिए जो क्वालिटी है वो बहुत ही मैटर करती है, तो ये फीचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2.4 GHz और 5 GHz की डुअल बैंड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे आप अप टू 1300 फीट तक जो है आपको एक स्टेबल कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ज़रा, और मैं जो है अब यहाँ से थोड़ा सा दूर जाऊँगा। ओके, तो अब मैं देखिए काफ़ी दूर जा रहा हूँ यहाँ से, और जो लाइन ऑफ साइट है उसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मेंटेन करूँ, या थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन भी आए तो इसका टेस्टिंग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अच्छे से कनेक्टिविटी मिल रही है, और मेरे जो मॉनिटर पे जो है पूरा दृश्य जो है साफ दिखाई दे रहा है, और ऑडियो भी जो है वो एकदम क्लियर है। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी काम का है, स्पेशली जब आप 2-3 असिस्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, हाई प्रोडक्शन वीडियोस बना रहे हैं, तो भाई आप जो है आसानी से अपनी फुटेज को ब्राउज कर सकते हैं दूर से ही, या काफ़ी दूर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, जहाँ पर अलग अलग तरह की प्रोडक्शंस की प्रॉब्लम आती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं बिल्कुल देखिए काफ़ी दूर आ चुका हूँ। तो ये मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया है और कहीं पर भी जो है मुझे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आया है। चलिए करते हैं अब इसका लेटेंसी का टेस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, तो इसकी जो लेटेंसी है वो 60 मिली सेकेंड है, जो काफ़ी लो है फ्रेंड्स। मैं कह सकता हूँ अगर इन अदर वर्ड्स की बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि जस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो या बिल्कुल ही नेग्लिजेबल है। तो अगर आप कोई भी चीज़ जो है रियल टाइम अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो एकदम रियल टाइम ट्रांसमिशन वाली फीलिंग आएगी। अगर आप कोई इवेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वेडिंग फिल्म्स में अगर आप कोई वेडिंग का इवेंट या कोई कॉन्फ्रेंस है, या किसी भी तरह का आप काम को अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। अब हॉलीलैंड का पायरो एज जो है वो वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे आप अप टू 4 रिसीवर जो है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अपने आईफोन को जो है बिल्कुल वायरलेसली इसके साथ कनेक्ट कर लिया, या आपके पास में और कोई आईपैड है, या आपके पास में और भी कोई डिवाइस है, आसानी से आप इसे अप टू 4 जो है डिवाइसेस आप इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये फीचर मुझे इसका काफ़ी इंप्रेसिव लगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो सीन मोड मिल जाते हैं, एक है HD मोड और दूसरा है स्मूथ मोड। अगर आप हाई एंड क्वालिटीज़ बना रहे हैं, जहाँ पर आपको वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी चाहिए, तो आप HD मोड पे शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 Mbps तक की जो है बिट रेट मिल जाती है, जो कि जो है एक हाई एंड फुटेज के लिए बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन अगर आपको लो लेटेंसी चाहिए तो वहाँ पर फिर आप जो है स्मूथ मोड यूज़ करिए, क्योंकि कई बार हम काम करते रन एंड गन सिचुएशन में, जहाँ पर हमें काम जल्दी से शूट करके अपलोड करना है, क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो वहाँ पर आप स्मूथ मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं इसके एक और कमाल के फीचर की। तो यहाँ आपको मिलता है UVC का सपोर्ट। अब UVC बेसिकली क्या होता है, USB वीडियो क्लास। अब देखिए अगर आपको
जूम पे लाइव स्ट्रीम करना है या आपको लाइव जो है अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है तो इस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक तो आपको अपना कैमरा को बस इस तरह से जैसा मैंने लगाया बिल्कुल उस तरह से जो है आपको यहाँ पर ट्रांसमीटर लगाना है और जो रिसीवर है उसे आपको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है और चाहे आप जूम पर हो या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप सीधा लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको किसी भी तरह के ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्लग एंड प्ले जो है इसका स्ट्रीमिंग होता है। ये फीचर मुझे बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम का लगा। अब दोस्तों बात करते हैं ये किन लोगों के लिए है, तो पायरो एच जो है दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं या फिल्म मेकिंग का काम करते हैं, वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं या किसी भी तरह का प्रोफेशनल लेवल का जो है काम करते हैं, जिन वीडियोग्राफर्स या फिल्म मेकर्स को एक क्वालिटी जो है वो काफ़ी मैटर करती है, वीडियो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही सिंसेरिटी से करते हैं, जहाँ पे डिटेलिंग जो है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पायरो एच उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसकी परफॉर्मेंस, इसके फीचर्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।